नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। भोपाल रेल मंडल के एक अधिकारी ने शायद इन लाइनों को बहुत गंभीरता से ले लिया है। दरअसल कोई भी ट्रेन जब लेट होती है तो रेलवे मंथन करता है इसके कारण का। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है उस अधिकारी की तो जैसे शामत ही आ जाती है। आप इन साहब की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में थी और कार्यकुशलता के नाम पर इनके पास बड़े साहब का आशीर्वाद था। एक ही समस्या के कारण भोपाल मंडल में कई ट्रेनें पिछले काफी समय से लेट हो रही हैं। इस समस्या से निजात पाने में लगता है कि संबंधित शाखा के अधिकारी सक्षम नहीं हैं और डांट ना खाना पड़े तो इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे अब ट्रेन लेट हुई तो इनकी तरफ घूमने वाली डांट की तो दूसरी तरफ भी घूम जाएगी, यानी हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली लाइन चरितार्थ हो जाएगी। क्योंकि साहब को शायद इस समस्या को ठीक करना या तो आता नहीं है या फिर कोई और कारण है। खैर, जो भी हो, पर मामला दिलचस्प हो गया है और एक पत्र ने यात्रियों की जान भी कुछ देर के लिए खतरे में डाल दी है। इसलिए थोड़ा सा डरिए यात्रा कर रहे हैं तो, और इन साहब की चिट्ठी को समझिए। क्या है पूरा मामला, परत दर परत खोलूंगा आज के छुपा खेल में। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि महानगरी एक्सप्रेस लगभग 13 घंटे क्यों लेट हुई और जिम्मेदार शाखा यानी मैकेनिकल वाले इस समस्या का समाधान समय से नहीं निकाल पाए। दरअसल भोपाल मंडल में पिछले काफी समय से प्रेशर ड्रॉप होने की समस्याएं आ रही हैं ट्रेनों में, जिससे ट्रेन रुक जाती है और लेट हो जाती है। प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है, इसका कारण मैकेनिकल वाले अधिकारी तो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यानी उनकी कार्य दक्षता सवालों के घेरे में है। ट्रेन लेट होने पर अकेले मैकेनिकल शाखा के ब्रांच अधिकारी सीनियर डीएमई कोचिंग अनुराग त्रिपाठी को जिम्मेदार न ठहराया जाए, इसके लिए अनुराग त्रिपाठी ने भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीटीआरओ और सीनियर डीएम को एक पत्र जारी कर दिया। इस पत्र में अनुराग त्रिपाठी ने लिखा कि इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग इस बात की कि कैसे कोच में लगे एक सेफ्टी सिस्टम को आइसोलेट किया जा सके, यानी कि बाईपास, मतलब उस सेफ्टी फीचर को बंद करके ट्रेन को अगले स्टेशन तक ले जाया जाए जहां मैकेनिकल वाले अधिकारी समस्या को ठीक कर देंगे। दरअसल जब भी ट्रेन का प्रेशर ड्रॉप होता है तो ट्रेन रुक जाती है। ऐसे में अनुराग त्रिपाठी के बताए उसके अनुसार रास्ते में ऐसा होने पर ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको पायलट जिस कोच में यह समस्या दिखाई दे रही है उस कोच के सेफ्टी सिस्टम को आइसोलेट करके ट्रेन चला दे, यानी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। खैर, आपको बता दूं यह सेफ्टी सिस्टम है FSDS यानी फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। FSDS का काम होता है जब भी कोच में आग लगे तो उसके धुएं को सेंस करके यह सिस्टम तुरंत कोच का प्रेशर ड्रॉप कम करता है जिससे ट्रेन रुक जाती है, यानी आग लगने की स्थिति में ट्रेन रुक जाएगी और तो आग फैलेगी नहीं और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। अब इस पत्र के अनुसार जब भी किसी कोच में प्रेशर ड्रॉप हो तो FSDS को आइसोलेट कर दिया जाए, हमारे सूत्रों ने यह बताया, और अगले स्टेशन तक ट्रेन चला दी जाए। ऐसे में मानिए कि अगला स्टेशन यदि 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा और इसी वक्त कोच में आग लग जाए तो क्या होगा, उस कोच के यात्री चैन पुलिंग करके भी ट्रेन शायद नहीं रोक पाएंगे। नतीजा ट्रेन चलने कारण आने वाली हवा से आग और भड़केगी, फिर फैलेगी, यानी यात्रियों के लिए खतरा ही खतरा। मान लीजिए कि लोको पायलट इस सिस्टम को आइसोलेट नहीं कर पाया तो क्या होगा, ट्रेन खड़ी रहेगी और लेट हो जाएगी जब तक कि मैकेनिकल वाले वहां पहुंचकर उस समस्या को सुधार नहीं देते। अब इस स्थिति में जब भी ट्रेन लेट होगी और मीटिंग में इसका रिव्यू यानी लिया जाएगा यानी इस पर मंथन किया जाएगा तो अकेले मैकेनिकल नहीं बल्कि सीनियर डीटीआरओ से भी सवाल होने लगेंगे। आपके लोको पायलट सिस्टम को आइसोलेट क्यों नहीं कर पाया जबकि ट्रेनिंग दी गई थी, मतलब हो गया ना पौबारा, अकेले अकेले डांट नहीं खानी पड़ेगी। अब सीनियर डीएमई कोचिंग अनुराग त्रिपाठी के साथ साथ सीनियर डीटीआरओ संजय तिवारी भी डांट खाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूब। खैर, आपको याद होगा उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद रेलवे बोर्ड ने सेफ्टी सिस्टम में शॉर्टकट या आइसोलेशन करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन शायद सीनियर डीएम अनुराग त्रिपाठी जी को यह पत्र रेलवे बोर्ड को सीधी ललकार है। वही इस तरह से सेफ्टी सिस्टम को आइसोलेट करने से पहले रेलवे के सेफ्टी अधिकारी यानी सीनियर डीएसओ से भी कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया है, यानी इस चिट्ठी में सीनियर डीएसओ को सिर्फ
सीसी करके सूचना दी गई है। मैंने जब यह सवाल भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा, पर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा मानो सबको सांप सूंघ गया हो, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया इतने गंभीर मुद्दे पे। यह सब देखकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सीनियर डीएमई अनुराग त्रिपाठी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में जरूर है, और पश्चिम मध्य रेलवे के एजीएम, ऐसा कहा जाता है, चर्चा भी है, सूत्रों ने बताया भी है कि आरएस सक्सेना जी भी अनुराग त्रिपाठी जी को बहुत मदद करते हैं। जो भी हो, गंभीर विषय है। इस तरह किसी सेफ्टी सिस्टम को आइसोलेट करके ट्रेन चलाना यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भगवान न करे कोई दुर्घटना घटित हो, पर यदि हो गई तो उस कोच में जो यात्री हैं वो ट्रेन रोक भी नहीं पाएंगे। फोन चल रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेलवे को फोन कर पाएंगे, लेकिन जब तक सूचना लोको पायलट तक पहुंचेगी तब तक शायद आग फैल चुकी होगी। अनुराग त्रिपाठी जी को ये समझना चाहिए कि सेफ्टी के इस फीचर का बाईपास करना या आइसोलेशन करना उचित नहीं है, बल्कि मूल समस्या के कारण का पता लगाना चाहिए। हमारे सूत्रों ने बताया कि चिट्ठी में जिस ट्रेनिंग की बात लिखी गई है वह ट्रेनिंग यही है कि एफएसडीएस को आइसोलेट कर दिया जाए। एक फ्रेम होता है, उसको निकाल दिया जाए तो आइसोलेट हो जाएगा। पूर्व के एपिसोड में भी मैंने बताया था कि अनुराग त्रिपाठी जी की कार्यप्रणाली कैसी है। एक साल पहले वरिष्ठ अधिकारी ने पत्र लिख दिया था कि आपको प्रेशर ड्रॉप के केस में सीरियस होना पड़ेगा। वह शायद सीरियस नहीं हुए, नतीजा महानगरी जैसी घटना हुई, 12 से 13 घंटे ट्रेन लेट हुई। उसके बाद मैंने एक और खबर बताई थी कि अनुराग त्रिपाठी जी जब डीजल शेड में पदस्थ थे तब उनका कार्यप्रणाली कैसी थी। विजिलेंस ने मामला दर्ज किया, करोड़ों के डीजल का रिकॉर्ड में हेर फेर पाई गई, सही हिसाब नहीं मिला। पर एजीएम, तत्कालीन सीएमई और वर्तमान एजीएम आरएस सक्सेना ने काउंसलिंग पत्र लिख के मामले को रफा दफा कर दिया। रेलवे के करोड़ों का हिसाब नहीं। और अब अनुराग त्रिपाठी जी ने यह नुस्खा निकाला कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मेरी एक हिदायत है सीनियर डीआरओ संजय तिवारी जी को कि इस चिट्ठी पे अमल करने से पहले एक स्पष्टीकरण जरूर मांग लें, अन्यथा अगली रिव्यू बैठक में जब जीएम साहब या रेलवे बोर्ड डांटेंगे कि प्रेशर ड्रॉप के कारण ट्रेन लेट क्यों हुई, उसको सही समय पे उस समस्या का निराकरण क्यों नहीं हुआ, तब शायद अनुराग त्रिपाठी यानी सीनियर डीएमई कोचिंग ये कह सकते हैं कि हमने लोको पायलट को ट्रेनिंग दी थी कि तुरंत आइसोलेट करके ट्रेन को अगले स्टेशन तक ले आए, पर इनके लोको पायलट संभवतः प्रॉपर तरीके से आइसोलेट नहीं कर पाए। तो आपसे भी सवाल जवाब होगा। खैर, रेलवे है, कुछ भी हो, बस एक इतना कहना चाहूंगा, यात्रियों की जान से खिलवाड़ मत करिए। ट्रेन एक आध घंटा लेट होती है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम सुरक्षित यात्रा तो रहे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक विशेष सूचना है, यदि आप हमको अब कोई सूचना पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर लगातार नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ईमेल आईडी भी स्क्रॉल हो रही है, आप उस पर हमें भेज सकते हैं। आपका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और हम अपने सूत्रों का खुलासा कभी नहीं करते। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।